का वीडियो में इनर चेस कैसे बनाएं या इनर चेस कैसे डेवलप करें उसके बारे में बताने वाला हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इनर चेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो चेस्ट है, जो लाइन है, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि बहुत आदमी का क्या रहता है, चेस्ट बड़ा रहता है या फ्लैट रहता है, इनर चेस्ट आदमी को डेवलप नहीं होता है, जो लाइनिंग है डेवलप नहीं होता, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ, एक्सरसाइज बताने वाला हूँ। बहुत आदमी टी शर्ट पहनते हैं, बड़े बड़े चेस्ट रहते हैं, अच्छा चेस्ट रहता है, फिर भी आदमी लोग इनर चेस्ट आदमी लोग डेवलप नहीं रहता है। ये देख सकते हैं आप, तो आप पास आके दिखाइए, ये जो देख सकते हैं जो लाइनिंग है, और लाइनिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो इनर चेस्ट बोलते हैं लाइनिंग के बारे में, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आदमी लोग चेस्ट अच्छा रहता है एक्सरसाइज करते के लिए, आदमी लोग डेवलप नहीं रहता है, तो उसके में मैं एक्सरसाइज बताऊँ, चार पाँच एक्सरसाइज होगा उसको मैं बताने वाला। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, आप लोग अच्छा लगेगा वीडियो। शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, जिम भी करते हैं, अच्छा जिम करते हैं, आदमी को इनर चेस्ट आदमी डेवलप नहीं रहता है, शर्ट पहनेंगे उतारेंगे तो देखने में अच्छा नहीं दिखता। जब आदमी को इनर चेस्ट जब डेवलप रहेगा तो शर्ट उठाएंगे, टी शर्ट उठाएंगे, देखने बहुत खूबसूरत लगेगा। तो उसके बारे में एक्सरसाइज में बताने जाने वाला हूँ, तो आप चलिए वीडियो बने रहिए, वीडियो देखिए पूरा, तीन चार या पांच एक्सरसाइज होगा इनर चेस्ट के बारे। फर्स्ट एक्सरसाइज है क्या ना, केबल क्रॉसओवर है। केबल क्रॉसओवर आपको ज्वाइन कर लेना है दोनों हाथ से, उसके बाद आगे पुश करना है, इनर चेस्ट के लाइन पे लेके जाना है, आगे पुश करना है, ठीक है। आप स्क्वीज करना है, देखिए लाइन आपको क्लियर होने लगेगा। एक्सरसाइज करो इसका, ये एक्सरसाइज का सेट आपको मानना है, तीन तीन से चार सेट मानना है, जो रेप है 12 से 15 रेप निकालना है, ठीक है। इनर चेस्ट के लाइन पे लेके जाना है, आगे आपको पुश करना है, आपको स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक स्क्वीज देगा जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अब स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है, देखिए आप एक्सरसाइज करने के बाद आपको पोजिंग करना बहुत ज़रूरी है ब्लड फ्लो के लिए। देखिए मेरा इनर चेस्ट कितना पंप हो गया है, तो आप एक्सरसाइज आपको करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज़ आप सोचो कि बस एक एक्सरसाइज कर लिया तो रिजल्ट मिले, अदर नहीं, आपको प्रॉपरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा थिंकिंग करके। सेकेंड एक्सरसाइज जो है क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस इंक्लाइन पे है, ठीक है। ये डंबल दोनों हाथ से ज्वाइन कर लेना है और क्या ना ऊपर पुश करना है, चेस्ट पे लेके जाना है, ऊपर पुश करना है दोनों हाथ। आपको स्क्वीज करना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप स्क्वीज नहीं करोगे चेस्ट को जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप स्क्वीज करना बहुत, नीचे लेके जाना है, ऊपर स्क्वीज करना है, और क्या ना, आप जब तक डाइट प्रॉपरली डाइट आप नहीं फॉलो करोगे तो अदा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको प्रॉपरली डाइट फॉलो करना है, एक प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करना है, रेस्ट करना है। आप जब रेस्ट करोगे प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे तो आपको रिजल्ट, देखो आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, अदरवाइज रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। आप रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड वर्कआउट है ये भी इंक्लाइन पे है, प्लेट आपको चूज कर लेना है, जितना आप लगा सकते हैं उस हिसाब से आपको प्लेट चूज करना है, नीचे लाइन पे लाना है, ऊपर पुश करना है, नीचे लाइन पे लाना है, इनर चेस्ट के लाइन पे पुश करना है, स्क्वीज करना बहुत जरूरी, नीचे लाओ ऊपर स्क्वीज करो, नीचे लाओ ऊपर स्क्वीज करो। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, आप प्रॉपर डाइट फॉलो कीजिए तो आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए मेरा भी इनर चेस्ट कितना क्लियर हो गया है, तो आई होप आप लोग को क्या नाम है समझ में आ गया होगा कि इनर चेस्ट के लिए कौन सा एक्सरसाइज खत्म हो गया होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, एक्सरसाइज भी अच्छा लगा। आप लोग ये वीडियो और एक्सरसाइज आप लोग ट्राई कीजिए, ये नहीं बोलता हूँ चार पांच एक्सरसाइज मैं बताया हूँ एक्सरसाइज पूरा आप लोग डेली कीजिए या चेस्ट में कीजिए, वो नहीं, एक दो एक्सरसाइज, तीन एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज में, चेस्ट के एक्सरसाइज में आप लोग इंक्लूड कीजिए, आप लोग देखेंगे इनर चेस्ट आप लोग को डेवलप हो जाएगा, अच्छा लगेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। जब टी शर्ट पहनोगे, उतारोगे, किसी के महफिल में उतारोगे, किसी दोस्त के सामने या कहीं जाओगे स्विमिंग में, तो आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अथवा सपोर्ट दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।